नलायक बच्चों, अभी वेलकम है आपका दोबारा से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे देख लेना गधे यार, इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 आप ये पढ़ चुके। अभी हम इसका करने वाले हैं बेटा फास्ट ट्रैक रिवीजन। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी आपको ये करवा दूं बेटा। आओ देखो, सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में आपको कितनी चीजें पढ़नी है बेटा, कितनी चीजें पढ़नी है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका एनसीईआरटी आपसे ये कह रहा है, एनसीईआरटी आपसे ये कह रहा है कि आपको तीन चीजें आ जानी चाहिए थी बेटा। पहला, गोल ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान्स। बेटा इंडिया में जो 5 ईयर प्लान बने थे उसका गोल क्या था। दूसरा, वो कह रहा है ये जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज थी जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आई थी, सर कौन कौन सा सेक्टर इन्होंने पकड़ा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, आप इसमें बता दें कि क्या इंपैक्ट पड़ा है इन पॉलिसीज का। अगला सर, लर्न टू थिंक अबाउट मैरिट एंड लिमिटेशन ऑफ रेगुलेटेड इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमी को हम रेगुलेट कर रहे थे बेटा, हम कौन, 1950 में इंडिया आजाद था बेटा, और 1990 तक आजाद था बेटा, उसके बाद एलपीजी आया, आजाद आज भी है बेटा। उसके बीच में जो हमारी पॉलिसीज थी वो हम खुद रेगुलेट कर रहे थे, तो इसको बोला गया रेगुलेटेड इकोनॉमी। अब इस रेगुलेटेड इकोनॉमी में मैरिट्स क्या थे और डीमेरिट्स क्या थे, आप ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के थ्रू ढूंढे बेटा। चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे बेटा, सबसे पहले आपको सेंस समझना पड़ेगा कि चैप्टर बना क्यों। उसके बाद आपको पढ़ना है गोल्स क्या है 5 ईयर प्लान्स के। तीसरा आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये क्रिटिसिज्म वाला पार्ट बेटा मैंने सिलेबस से हटा दिया है आपके। डन सर। आओ सर अब जल्दी से देखते हैं बेटा, टाइम ने कैसे ट्रैवल किया बेटा 1950 से लेके 1990 तक इंडिया में बेटा 7 5 ईयर प्लान आए बेटा। अब 50 से लेके, अब एक चीज समझना बेटा, बच्चे गलती करते हैं, 50 से लेके 90 तक कितने साल होते हैं बेटा, ऑलमोस्ट 40 साल होते हैं, और एक 5 ईयर प्लान इंडिया में कितने का होता है बेटा, 5 साल का। तो इंडिया में इसके बीच में 7 5 ईयर्स प्लान आए बेटा, तो टोटल कितने ईयर होने चाहिए, 35। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 में और वो एंड हुआ जाके 1990 में, और जब शुरू हुआ तो ये पहला था, एंड हुआ तो ये 7th का एंड था। तो सर बीच के 5 साल कहाँ गए, इसका मतलब बीच के 5 साल कहीं तुमने गोल किए। हाँ सर, अब ये समझना है आपको लर्न करते समय बेटा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। डन सर। सबसे पहले इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान कब आया बेटा, 1951 से लेके 56 के बीच में, उसके बाद कंटिन्यूटी में, फिर 56 से कब आया बेटा, 61 तक, ये भी 5 साल का था, ये भी 5 साल का था। फिर तीसरा भी आया बेटा कंटिन्यूटी में 5 ईयर प्लान का बेटा, लेकिन 3 साल के बाद, आई मीन 3 5 ईयर प्लान के बाद ये लोग थक गए और ये लोग कहाँ चले गए बेटा, छुट्टी में चले गए बेटा। क्या आ गया, प्लान का हॉलीडे, प्लान का आ गया हॉलीडे बेटा। हॉलीडे के बाद ये लोग लेके आए बेटा, ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, फिर लेके आए ये लोग चौथा 5 ईयर प्लान बेटा। चौथा 5 ईयर प्लान भी कितने का बेटा, 5 साल का बेटा। उसके बाद ये लोग लेके आए बेटा 5th 5 ईयर प्लान बेटा, 5th 5 ईयर प्लान बेटा। डन। ये लेकिन 4 साल का हुआ बेटा। फिर इन्होंने क्या कर दिया, रोलिंग प्लान लाए। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्लान हॉलीडे लिया था, ठीक ऐसे यहाँ पे भी हॉलीडे है, लेकिन इसको इन्होंने हॉलीडे ना बोल के क्या बोला, रोलिंग प्लान बोला बेटा। उसके बाद आया 6th, उसके बाद आया बेटा 7th। आई होप आप ऐसे याद करना, कैसे, पहले आया 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद हॉलीडे, उसके बाद बेटा 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से हॉलीडे, फिर 6 और 7। याद रखोगे, पहले 3, फिर 2, फिर 2। टाइम पीरियड अलग अलग है बेटा, टाइम पीरियड भी आपको याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट फेज में बेटा। नेक्स्ट फेज में आपको ना इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ईयर मिलेंगे बेटा, मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ इसी चैप्टर से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट ईयर्स यहाँ पे निकाल के आपको दिए हैं, आप इनको याद करना बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट में शेयर कर दूंगा बेटा। अच्छा, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर का, आई मीन एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है, उनका नाम क्या है बेटा, प्रशांत चंद्र महलानोबिस बेटा। ये अभी इस चैप्टर में आएंगे, हम इनको पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, उसके अलावा बेटा अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो तो बहुत अच्छा, मैंने हर चैप्टर के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके इस बार के एमसीक्यू में आएंगे बेटा। ये 23 24 के लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं ऐसे हर एक चैप्टर के, तो आप इनको भी देख लें बेटा। अब जल्दी से हम अपनी रिविजन शुरू करते हैं बेटा। रिविजन का पहला पार्ट, वाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ा। सर वो चैप्टर इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए और इंडिया ने डिसाइड किया कि कैसी इकनॉमी चाहिए, तो उस समय इंडिया के पास 3 पिक्चर थी बेटा। पहली पिक्चर, या तो हम अपने आप को कैपिटलिस्ट बना ले, या हम अपने आप को सोशलिस्ट बना ले, या हम अपने आप को मिक्स बना ले बेटा।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है बेटा, बोलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है, जहां पे सारा काम कौन कर रहा होता है बेटा, प्राइवेट प्लेयर्स, और वो गुड्स किसके लिए बना रहे होते हैं, उनके लिए जिनके पास परचेजिंग पावर होती है बेटा। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा गुड्स कौन बना रहे होते हैं बेटा, गवर्नमेंट बना रही होती है, लेकिन उनका मोटिव क्या होता है बेटा, उनका मोटिव होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बेटा। लेकिन जहां पे ये दोनों लोग काम कर रहे होते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स बेटा। इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स। लेकिन किताब इस बात को शुरू में एक्सेप्ट नहीं करती है बेटा। आपको कैसे पता, देखो बेटा बताता हूँ, ये किताब कहती है कि सोशलिज्म अपील जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, जिस समय ये डिसाइड करना था कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी लगेगी, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बेटा, बिना इलेक्शन के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, लेकिन इलेक्शन से नहीं चुने गए थे, उनको ना सोशलिज्म ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो इस बात से परेशान थे कहीं सोवियत यूनियन जैसा हाल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन ने क्या चुना था बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी चुनी थी। तो सर सोवियत यूनियन में कैसा सोशलिस्ट इकोनॉमी लगा था बेटा, जहां पे सारी फैक्ट्री फार्म पूरी कंट्री कौन ओन करता था, गवर्नमेंट, और वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। तो नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे बेटा। आगे अच्छा, लेकिन नेहरू जी साथ में क्या चाहते थे, मुझे एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जहां पे एक्सट्रीम वर्जन का ना कैपिटलिस्ट हो ना एक्सट्रीम वर्जन का सोशलिज्म हो, मतलब ऐसा ना हो कि सबका सब कैपिटल हो या सबका सब सोशलिज्म, कोई बीच का रास्ता निकले। अरे बीच ही तो इकोनॉमिक्स है, बट ये बात उन्होंने बोली नहीं बेटा। आगे, इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। अब इन्होंने ये वाली बात चुनी बेटा, क्या बोला याद करना बेटा, सीधा मिक्स लिखोगे एग्जाम में शायद मार्क्स ना मिले। क्या लिखना है, इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विथ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी बेटा। बोला ना मैंने मिक्स, बोल तो रहा हूं बेटा मिक्स हुए, बट ये ऐसे बोल नहीं रहे, ये सीधा सीधा नहीं बोल रहे बेटा। आगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। अब ये बच्चा कह रहा कि सर आप सीधा मिक्स क्यों नहीं बोलते हो, अरे जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1948 का और जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे ये बात पता चलती है कि इन्होंने ऐसा किया था बेटा। डन, चलो सर। 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन, 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन, वो कमीशन जो इंडिया के 5 ईयर प्लान को गाइड करेगा, और उसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया बेटा, उस समय के प्राइम मिनिस्टर को। और यहीं से शुरू होता है बेटा क्या, इंडिया में 5 ईयर प्लान, इंडिया में यहीं से शुरू हुआ बेटा। डन, कि आपको ये बात पता है, फिलहाल के लिए इंडिया में 5 ईयर प्लान्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1950 में बेटा। डन, अब सर आगे चलते हैं। आखिर सर प्लान होता क्या है, अरे प्लान घूमने का होता है, फिरने का होता है, अरे मैं वो वाले प्लान की बात नहीं कर रहा, आखिर ये सर 5 ईयर प्लान क्या था। अब देखो सर ये 5 ईयर प्लान क्या था बेटा, अ प्लान स्पेल्स आउट, प्लान बताता है हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन शुड बी पुट टू यूज, आखिर सोसाइटी के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ध्यान से समझते रहना बेटा। दूसरा, इट शुड हैव सम जनरल गोल एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्लान के अंदर ना कुछ जनरल बातें होती है, इंडिया ऐसे काम करेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, इंडिया इन 5 सालों में ये फ्लाईओवर्स बनवा लेगा, ये स्कूल्स बनवा लेगा, ये हॉस्पिटल्स बनवा लेगा, ये हो गया स्पेसिफिक काम बेटा। अच्छा, इन 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कितना होता है, ऑब्वियसली सी बात है सर 5 ईयर ही होगा, ये कोई सवाल था सर, लेकिन क्या आपको ये बात पता है, ये भी कंसेप्ट हमारा नहीं था, ये कंसेप्ट हमने बोरो किया था किससे, सोवियत यूनियन से बेटा। अच्छा, लेकिन सर कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो 5 ईयर प्लान के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि वो काम ही था 10 साल का, तो कैसे होगा, इसलिए इन्होंने क्या बोला, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। उन्होंने बोला अगर कोई ऐसा प्लान है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है सर, 20 साल का, और ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान को इन्होंने क्या बोला, पर्सपेक्टिव प्लान, एग्जाम में 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा। चलो सर ये खत्म हुआ, अब आ जाते हैं सर सेकेंड फेज में, जहाँ पे हमें पढ़ना है कि हमारे इंडिया के 5 ईयर प्लान्स का गोल क्या था बेटा, हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान का गोल क्या था बेटा। तो उनका गोल पता है क्या था बेटा, उनका गोल था 4, गोल नंबर 1 ग्रोथ, गोल नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, गोल नंबर 3 सेल्फ रिलायंस, और गोल नंबर 4 इक्विटी। सर ये 4 चीजें थी हमारे 5 ईयर प्लान का गोल। सर ये ग्रोथ में क्या करना था,
सर ग्रोथ में ना कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज करना था। हाँ कंट्री की कैपेसिटी को सर, कंट्री की कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? अरे कंट्री में गुड्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, और कंट्री में सर्विसेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस बात से पता चल जाएगा। लेकिन सर एक मिनट, इसको मेजर कैसे करें कि सही में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है? जीडीपी से बेटा देखो, गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। लेकिन बेटा इन्होंने एक और बात बोली कि सिर्फ जीडीपी से नहीं सर, जीडीपी का कैसा ग्रोथ होना चाहिए? स्टेडी ग्रोथ सर। स्टेडी ग्रोथ क्या होता है सर? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, या फिर अगर चल रहा है तो ये ऊपर की तरफ चले, ट्रेंड में रहे, या गिर रहा है तो नीचे की तरफ गिरे सर, तब पता चलेगा सर। ऐसे नहीं कभी 5%, कभी 3, कभी 2, कभी 8, कभी, ऐसे नहीं सर। चलो सर समझ में आया सर। अच्छा उसके बाद सर ये जीडीपी क्या होती है? आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आपसे अच्छा जीडीपी कोई नहीं बता सकता, बट फिर भी क्योंकि आईडी में बुरा ना मान जाए इसलिए पढ़ लेते हैं। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। अब सर हमारे देखो ना सर, देखो हमारा ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ है, मैं क्या देखूंगा? इंडिया में जितने लोग रहते हैं, इंडिया में जितने लोग रहते हैं उन्होंने कौन कौन सा सामान खरीदा, उन्होंने कौन कौन सा सामान खरीदा, इन सारे सामान के, इन सारे सामान की अगर मैं मार्केट वैल्यू लगा दूं तो उससे क्या पता चलता है सर? इंडिया में कितनी जीडीपी है। तो सर इसका मतलब इंडिया में जितना सामान बिकेगा जीडीपी उससे बढ़ेगी, और जितना हम लोग सेविंग करते चले गए उससे क्या होगा? रिसेशन होगा, उतना रिसेशन होगा सर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? खर्च करते रहना चाहिए सर। सर इसीलिए जब 2008 में यूएसए में रिसेशन आया था उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया में इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं बेटा, और हम लोग फेस्टिवल्स में अपनी किडनियाँ बेच के सेलिब्रेट करते हैं बेटा, डन, तो पैसा तो खर्च हो गई, इतने सारे फेस्टिवल होते हैं। चलो सर बढ़िया है सर, इसका मतलब रिसेशन बहुत कम ही आएगा बेटा इंडिया में। आगे सर, द जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। बेटा इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन सर। हमारा जो जीडीपी है वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन से बनता है सर। चलो सर ये भी हुआ, अब दूसरा देखते हैं सर, मॉडर्नाइजेशन। अरे हमारे 5 ईयर प्लान का दूसरा चीज़ थे ना, पहला ग्रोथ, अब दूसरा अगला क्या बेटा? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या सर? नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना सर, सीधी सी बात है सर। और अगला क्या सर? सोशल आउटलुक भी इंक्रीज करना सर। सर ये दोनों बातें क्या सर? देखो पहला अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ही मॉडर्नाइजेशन है। डज नॉट रेफर ओनली द यूज ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो चेंज इन सोशल आउटलुक। अब सर ये बोला कि सर सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना, अपनी आंखें भी खोलना है सर। आंखें कैसे खोलना? सर उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे वुमन का मेन के इक्वल राइट्स मिलना एक सोशल आउटलुक है सर। चलो सर अगला अ सोसाइटी। अब इनका ये कहना था सर देखो क्या, अगर मान लिया आप एक ऐसी कंट्री बनना चाहते हो जहाँ पे टेक्नोलॉजीज तो है बट सोशल आउटलुक नहीं है। सोशल आउटलुक नहीं का मतलब सर वहाँ पे ना वुमेंस को सेम राइट नहीं मिले, वुमन को डिग्रेड समझा जा रहा है बेटा। तो एक बात बताओ, आपने तो अपने आप ही अपने यहाँ के रिसोर्सेज को क्या कर लिया? हाफ कर लिया। जहाँ पे मेन और वुमेन मिलके काम कर सकते थे और जीडीपी को बढ़ा सकते थे, आप उसको काम ही नहीं करने देते। अगर ऐसा करोगे तो सर आपकी ही कंट्री का मॉडर्नाइजेशन स्ट्रक्चर खराब होगा। सर समझ में आया बेटा। उसके बाद बेटा अगला आया सेल्फ रिलायंस। बेटा अभी हमने देखा ना, जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तब हमें आके समझ में आया सर इंडिया ने तो 1950 से लेके 1990 तक अपने देश में ग्लोबलाइजेशन लगाया ही नहीं था। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहे थे तो तुम हर चीज़ के लिए किसको बोलते थे? अपनी कंट्री के लोगों को बोलते थे ना कि तुम ही बनाओ, तुम ही बनाओ, तुम ही बनाओ, तुम ही बनाओ। अगर तुम ही बनाओगे तो क्या होगा? सेल्फ रिलायंस होगा, हमें खुद की सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, डन। चलो सर अब सेल्फ रिलायंस इंडिया के लिए अच्छा था कि नहीं था? सर ट्रेड पॉलिसी ने बोला कि अच्छा था सर। ट्रेड पॉलिसी जब भी हमने पढ़ गया उन्होंने बोला अच्छा था सर। फिर भी इसको देख लेते हैं बेटा, इंडिया का जो फर्स्ट 7 ईयर प्लान था ना उसने इंपॉर्टेंस किसको दी? सेल्फ रिलायंस को ज़्यादा दी, आई मीन ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन से भी ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी? सेल्फ रिलायंस को दी बेटा। कंसिडर्ड अ नेसेसिटी, इनका ये कहना था सर ये जरूरी है, नहीं तो हमारे देश का कंपटीशन खराब हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट खराब हो जाएगा। अच्छा लेकिन क्या इससे हमें फ़ायदा हुआ? हाँ बेटा, हम जो पहले फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, ओए हम जो पहले फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे ना किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। अब हम उसके लिए डिपेंडेंट नहीं थे बेटा, अब हम अपना खुद बनाते थे बेटा। एक सेकंड बच्चे, माइक चल रहा है ना? माइक चल रहा है, डन बच्चों। देखिए सर, अच्छा तो हमारा जो डिपेंडेंस था किसके ऊपर? बाहर की कंट्री पे, वो खत्म हो गया, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड सप्लाईज, ये अब खत्म हो गया बेटा। अब इंडिया मेक सोवरेनिटी वल्नरेबल, वल्नरेबल बेटा। अब हम अपनी सारी खुद की पॉलिसीज बनाने लग गए थे बेटा फूड वगैरह को लेके, अब हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी बेटा। अच्छा अब ये लास्ट है बेटा, इक्विटी। बेटा इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? अरे इक्विटी का मतलब क्या था? पहला क्या था? ग्रोथ। दूसरा क्या था? मॉडर्नाइजेशन। तीसरा क्या था? सेल्फ रिलायंस। चौथा क्या बेटा? इक्विटी। इक्विटी का मतलब है सर ऐसा ना हो जाए कभी कंट्री में कि बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बन जाएं और गरीब बेचारा छोटा रह जाए। इसीलिए उन्होंने क्या बोला? समानता देनी पड़ेगी सर, समानता।
कोई आदमी अगर ज्यादा कमा के रिच हो गया और कोई बिना कमाए गरीब हो गया, मतलब उसको फैसिलिटीज नहीं मिली, तो हम उसको फैसिलिटीज देंगे बेटा, हम ये अंतर खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, दुनिया की ऐसी कोई सी कंट्री नहीं, कोई सा शहर नहीं, कोई सा ऐसा गांव नहीं, कोई सा ऐसा सेक्शन नहीं, कोई सा ऐसा सेक्टर नहीं, कोई सी ऐसी बिल्डिंग नहीं जहां पे ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाए बेटा। ये अंतर हमेशा आएगा बेटा, इनहेरेंट पार्ट है बेटा। खैर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल एज इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय द रिच। सर इन्होंने क्या बोला, ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ना, रीच द पुअर सेक्शन एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड बाय द रिच। इनका ये कहना था सर ऐसा ना हो कि इसका मजा सिर्फ रिच आदमी ले, इसका फायदा किस तक पहुंचना चाहिए, पुअर तक। कैसे पहुंचाया सर? नाउ एक मिनट यार, क्यों परेशान कर रहा है। चलो सर जल्दी से देखते हैं सर। नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, बेटा ये सारी चीजें किसको हिट कर रही हैं? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस किसको हिट कर रही है? सोसाइटी को, जीडीपी को, कंट्री को। लेकिन बेटा इन सब के चक्कर में कहीं गरीब ना पिस जाए, इसीलिए इन्होंने क्या बोला, मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। सर इनसे जरूरी नहीं है कि लाइफ अच्छी हो जाए सबकी। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, most modern technology developed in the country itself and also has most of its people living in the poverty. bola ki sir ye wali cheez na ho jaye. kaun si cheez sir? aapke yahan to growth bahut hai, nayi nayi technology bhi use kar rahe ho aur country ab kisi se udhari bhi nahi mangti, phir bhi aapke desh mein gareeb hai. matlab aapne bola sir america ek developed nation hai sir, wahan pe sari technology hai, lekin agar wahan pe bhi aapko jhuggiyan mil gayi to, wahan pe bhi aapko gareeb aadmi mil gaye to, वहां पे भी आपको रोड के बगल में सोते हुए लोग दिख गए, तो सर ऐसे ग्रोथ का कोई फायदा नहीं, ऐसे मॉडर्नाइजेशन का कोई फायदा नहीं, ऐसे सेल्फ रिलायंस का कोई फायदा नहीं। तो इन्होंने यहीं पे बात करी और इन्होंने बोला कि कंट्री इसके ऊपर भी काम कर रही थी। अभी तो हमें दिख ही रहा है ना कंट्री ने कितना काम किया है ना बेटा। आज देखो हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई है, कोई गरीबी नहीं है ना, बहुत बढ़िया बेटा। इन एडिशन टू द ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये साथ साथ बोल रहे हैं सर, होगा सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दो आदमियों का बराबर खड़े होना, ऐसा ना हो कि अपने आप को रिच बोले और इसको पुअर बोले, ऐसा ना होना चाहिए सर। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हीज और हर बेसिक नीड सच एज, कौन कौन सी बेसिक नीड है? फूड, डिसेंट हाउस, बोला डिसेंट हाउस, उसके बाद क्या बोला बेटा? एडुकेशन एंड हेल्थ केयर। अभी तक हमें सर बचपन से पढ़ाया गया था कि तीन चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसने बोला पांच चीजें होती हैं। सर क्या? रोटी, डिसेंट हाउस, एडुकेशन और हेल्थ केयर, वो कपड़ा उसी में आ गया, पांच का मतलब डन। तो समझ में आया, अभी एग्जाम में जाके चार चीजें लिखनी, पहला फूड, अगला एडुकेशन, तीसरा डिसेंट हाउस और चौथा हेल्थ केयर। चलो सर समझ में आ गया सर। सर अभी जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ये उसका एक लाइन लिखी हुई बेटा ऐसे। चलो सर ये समझ में आया, अब अगला देखते सर। मैंने आपको बोला ना मैं आपको अभी यहाँ पे तीन चीजें दिखाऊंगा बेटा, कौन कौन सी दोबारा दिखा देता हूँ बेटा। अरे देख लो सर क्या क्या बेटा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड और ट्रेड पॉलिसी, आई मीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटा। उसी में मैं पहला शुरू कर रहा हूँ बेटा, एग्रीकल्चर बेटा। अभी देख लो एग्रीकल्चर बेटा, क्या आपको ऐसा लगता है कि 1950 से लेकर 1990 तक इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छा हो गया? अरे बोलो ना हाँ या ना। वो कह रहा हाँ हो गया ना सर। देखो द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इशू विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म एंड प्रॉम्प्टिंग द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड विच अशर्ड या असिस्ट इन रिवोल्यूशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर। कहते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन कौन लेके आया? सर इंडिया के एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लेके आने वाले का नाम है HYB बेटा। क्या नाम है? HYV। ये HYV कौन है सर? देखो सर HYV शीड होते थे बेटा। HYV क्या होते थे? अरे बोलो ना सर HYV क्या होते थे? शीट होते थे बेटा। वेरी गुड बेटा। लेकिन इसको पढ़ाने के लिए आपकी किताब ना इस सेक्शन को तीन पार्ट में बांटती है बेटा। पहले पार्ट का नाम है बेटा, पहले पार्ट का नाम है लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए जो सबसे पहला काम किया गया लैंड में रिफॉर्म लाया गया बेटा। दूसरा काम क्या किया गया बेटा? लैंड में लगाई गई सीलिंग। पहला लैंड रिफॉर्म मतलब जिसके पास लैंड नहीं है उसको लैंड दिए गए, कहाँ से दिए गए ये बात की बात है। उसके बाद लगा बेटा लैंड सीलिंग, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा लैंड है तो तुमसे लैंड छीनी जाएगी या लैंड की सीलिंग लगाई जाएगी, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते या जो भी होगा देखेंगे सर। और तीसरी चीज क्या पढ़ाई गई बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन तीनों चीजों को पढ़ा के वो आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं एग्रीकल्चर का पार्ट। डन सर? आओ सर हम भी चल के देखते हैं सर लैंड रिफॉर्म में तुमने किया क्या। देखो सर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज बाय जमींदारी एंड जागीदार्स। कहते हैं शुरुआत में इंडिया का जो लैंड सिस्टम था उसको कैसे देखा जाता था सर? ये जमींदार और जागीदार के थ्रू देखा जाता था सर। ये जमीन, ये नहीं पूछते थे जमीन किसकी है, ऐसे पूछते थे सर इस जमीन का जमींदार कौन है या इसका जागीरदार कौन है, क्या मतलब है सर इसका? देखो सर, हु मेयरली, लेकिन उसका काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ रेंट कलेक्ट करना एक्चुअल टिलर से, जो उस लैंड पे काम कर रहे हैं उनसे, उनका काम था लैंड से रेंट कलेक्ट करना बेटा, ऑफ द सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द इम्प्रूवमेंट ऑन द फार्म्स। अब एक मिनट सर, आपको पता है गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है? अरे गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है ना, हाँ से करती है। हम क्या उनको यूं ही दे देते? नहीं, हम कहते हैं रोड बनाओ, पुल बनाओ, हाईवे बनाओ, और जब कभी दिल्ली में बाढ़ आए तो हमें बाढ़ से बचाओ, इसलिए देते हैं टैक्स। ऐसे फ्री में थोड़ी ना देते हैं सर, काम कर जाते। लेकिन ये लोग इनसे रेंट कलेक्ट करते थे और बदले में इनको कुछ नहीं देते थे सर, कोई सर्विसेज नहीं, तो सर ये गलत था। आगे, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ इंप्रूवमेंट करते नहीं थे बेचारे, एक्सीलरेटर जितना ग्रो कर पाते थे ग्रो करते थे और उसमें से भी रेंट दे देते थे, तो सर कंडीशन तो अच्छी नहीं हुई थी। धीरे 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 कंडीशन क्या होती चली गई, डिग्रेड हो गई, और कंडीशन के डिग्रेड होने की वजह से क्या हुआ, इंडिया फोर्स हो गई इंपोर्ट करने के लिए, वो भी कहां से? अमेरिका से बेटा। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म विच प्राइमरली रेफर्स द चेंज इन ओनरशिप। अब बेटा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना, ओ मैडम अभी अभी हमने पढ़ा ना फाइव ईयर प्लान, फाइव ईयर प्लान के अंदर चार गोल थे, कौन कौन सा? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी। इक्विटी ने ये बात बोली सर, ये बात इक्विटी ने बोली क्या? इक्विटी एग्रीकल्चर में आके बोला कि सर चेंज करो लैंड की ओनरशिप और उसको दो जो एक्चुअली में काम करते हैं। लैंड होल्डिंग स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज, ये इनको बीच से हटाया गया, किनको? जमींदार और जागीदार को, एंड टू मेक द टिलर द ओनर ऑफ द लैंड, और सर उनको बनाया गया एक्चुअल का ओनर, जो टिलर थे उनको बनाया गया ओनर। The idea behind this move was to ownership of a land would give incentive to the tiller to invest in making improvement provided sufficient capital was made available to them. अच्छा, अब गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना, जो जो किसान है जो खेती करते हैं सर, अगर हम उनको लैंड का ओनर बना देंगे तो इससे ये होगा कि वो रेंट नहीं देंगे, और रेंट अगर नहीं देंगे तो उनके पास पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो वो आदमी वो पैसा बिजनेस में यूज करेगा और इसकी इंप्रूवमेंट बढ़ाएगा सर। पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, वो आप देखना सर। अगला देखो सर, लैंड सीलिंग सर, लैंड सीलिंग क्या था सर? It was another policy to promote equity in the agriculture sector. This means fixing the maximum size of a land. Sir, तुम कितना बड़ा land अपने पास रख सकते हो? Which could owned by the individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of a land ownership in a few hands. ये चाहते थे कुछ 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000 लोगों के हाथ में ये जो land है इन सालों से छीनो और सबके हाथ में इक्वली बांटो। नहीं तो ये लोग अपनी मर्जी चलाते रहेंगे सर। आगे, the abolition of intermediaries meant that 200 lakh tenant came into the direct force. ऐसा करने से क्या हुआ? 200 लाख सर, 200 लाख का मतलब कितने करोड़ होते हैं? अरे 200 लाख का मतलब कितने करोड़? 2 करोड़, 2 करोड़ टिनेंट, जो कि अब टिनेंट का मतलब था किराएदार, से क्या बन गए थे? मालिक, और डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में आ गए? गवर्नमेंट के, विद द गवर्नमेंट। द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टिनेंट्स गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट, और इसने क्या नाम है, कंट्री के ग्रोथ में मदद करी सर। इक्विटी वॉज फुली सर्व्ड, फॉर्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज ओन ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। लेकिन सर ये जो इक्विटी थी ना, इक्विटी ये फुली सर्व नहीं हो पाई सर। क्यों? क्योंकि जो जमींदार थे उन्होंने धोखेबाजी करी कुछ पार्ट्स में, और उन्होंने जानबूझ के हर जगह अपने आप को अलग दिखा दिया और लैंड की ओनरशिप ले ली, मतलब सर उन्होंने लूप होल्स का फायदा उठा लिया। There were cases where tenant were evicted and the landowner claimed the self cultivator claiming showing them the land. The poorest of the agriculture laborer did not benefit from the land reform. अब पता है इन्होंने सवाल उठा दिया land ceiling के ऊपर। Government इतनी अच्छी scheme लाई थी land ceiling, लेकिन इन्होंने बोला कि सर तुम्हारी land ceiling की scheme ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को तुम खेत दे के गए थे, बाद में जमींदार आके उसको मार पीट के तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के भगा दिया जमीन से, और वापस उसने लैंड अपने नाम पे करा ली। सर क्या कह सकते हैं सर, ये सब तो चलता है सर, इंडिया है सर, यहाँ मारपीट चलेगी सर। लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल कहाँ कहाँ? लेकिन केरला और वेस्ट बंगाल में सर सक्सेसफुल हुई। डन सर, इतना याद रख लेंगे। चलो सर, अगर याद रख लेंगे तो आ जाते हैं सर ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा, अभी ये इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हमने ये भी पढ़ लिया, एग्रीकल्चरल में हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिया 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 अब फूड में सेल्फ रिलायंस है सर।
इंडिया को बाहर वाले लोगों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है फूड के लिए। लेकिन ऐसा किसकी वजह से हुआ था सर? ऐसा एक्चुअली में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था सर। सर विश्वास नहीं होता तो देखो 1950-51 में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी सर? 67.5। लेकिन 1990 से लेकर 1991 तक एग्रीकल्चर में जो लोग डिपेंडेंट थे वो लोग कम हुए, बट फिर भी इंडिया फूड में सेल्फ रिलायंस हो गया। सर इसका मतलब काम तो तुमने अच्छा किया, यहाँ पे लोग भी कम कर दिए और इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा दी उस तरीके से। सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे पता क्या था? देखो ये जो मैंने आपको डेटा दिया ये 50-51 का था, लेकिन इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के समय इंडिया की कितनी पॉपुलेशन लगी हुई थी एग्रीकल्चर में? बट फिर भी प्रोडक्टिविटी क्या थी? लो थी। सर ऐसा क्यों? प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी? क्योंकि सर हमारे पास जनरेटर्स नहीं थे, पानी के लिए सही से सुविधा नहीं थी, इसीलिए हम लोग किस पे डिपेंड रहते थे? मॉनसून के ऊपर, और इसलिए सर खेती ठीक से हो नहीं पाती थी। अच्छा सर, अच्छा अब सरकार ने क्या किया सर इसको ठीक करने के लिए? देखो द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर, स्टैग्नेशन का मतलब जो हमारी एग्रीकल्चर रुक गई थी उसको ठीक करने के लिए कॉलोनियल रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। सर ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस सब चीज़ को ठीक कर दिया। सर क्या किया सर वो बता दो। देखो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन, HYV शीट लगाने से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिससे बेनिफिट किसको हुआ बेटा? वीट ग्रोइंग रीजंस को बेटा। ओए मोबाइल मत चला, उठा के फेंक दूंगा। अच्छा शुरुआत में इसको फायदा किस नेशन को हुआ बेटा? उन नेशंस को, सॉरी उन स्टेट्स को हुआ जो लोग क्या ग्रो करते थे बेटा? वीट ग्रो करते थे। आगे देखे सर फर्स्ट फेज में बेटा, फर्स्ट फेज में लेकिन HYV शीट्स का ना यूज इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड रखा, ये ना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तो बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और ये कम हो जाए, इसलिए फर्स्ट फेज में इन्होंने कुछ स्टेट्स में ही HYV शीट्स को यूज किया। कौन कौन सी स्टेट है बेटा? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बेटा। लेकिन सेकंड फेज में जब यहाँ पे इनको सक्सेस मिल गई तो इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में इनको यूज करना चालू कर दिया, और ऐसा करते ही स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रीन। और अब हम किसकी मर्सी पे नहीं थे? अमेरिका की मर्सी पे नहीं थे। हमने अमेरिका से क्या बोला? चल वे निकल यहाँ से, नहीं चाहिए तेरा खाना, नहीं खाना हमें गोरी मेम्स। ओ क्या बोल रहा हूँ, उनका खाना अब हमें नहीं खाना, अब हमें इंडिया का दाल चावल खाना है सर। आओ आगे सर। लेकिन सर इसके अलावा बेटा आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले बेटा हम लोग हम किसान क्या करते थे? जो ग्रो करते थे वही खा पाते थे और वो भी कम पड़ जाता था। लेकिन बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम इतना ग्रो करने लगे कि हमें भरपेट खाना भी मिलने लगा, बचाने भी लगे और बेचने भी लगे बेटा। इसी टर्म को ये लोग क्या बोलते थे? मार्केटेड सरप्लस। देखो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। एग्जाम में आता है, अब आपको ये आ गया। अगला सर, अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड वीट वॉज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा राइस और वीट प्रोड्यूस हुआ बेटा। लो इनकम ग्रुप्स बेटा बेनिफिट हुआ उनको इस डिक्लाइन प्राइसेस। कैसे बेनिफिट हुआ? अरे प्राइसेस कम हो गए, तुम्हारी इनकम पहले ही कम थी, अब तुम खरीदने लगे बेटा। जल्दी से इतना देखो मैं एक, चलो सर अब आगे देखते सर। इससे गवर्नमेंट को क्या इनेबल हुआ सर? बिल्डर स्टॉक। लेकिन देखो बेटा अब मार्केटेड सरप्लस बनने लगा, एक्स्ट्रा बनने लगा मार्केट में ना, गवर्नमेंट खुद जाके उन किसानों से खरीदने लगी। क्यों? ताकि मेरा किसान मोटिवेटेड रहे। और इससे गवर्नमेंट ने क्या बना लिया सर? स्टॉक बना लिया। और ये स्टॉक कब यूज होता था बेटा? जब भी कभी कंट्री में फूड की शॉर्टेज होती थी तो हम इसको यूज करने लगे बेटा। लेकिन मैंने आपको जब रेगुलरली पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना एक नेगेटिव पॉइंट आया था बेटा, जो HYV शीट थे ना इस पर पेस्ट अटैक करते थे। हाँ अटैक करते थे, इसको खराब करते थे हमारे फूड को। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका भी तोड़ बहुत जल्दी निकाल लिया और ये बात अब इतनी सच नहीं है बेटा। चलो सर, सर ये HYV शीट क्या होते हैं? मैंने आपको बोला है कि आप इनको तीन बातों से याद रखना बेटा। बात नंबर वन, ये बेटर क्वालिटी के थे। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट वाज द टाइप ऑफ HYV शीट्स तो आपको लिखना सर ये बेटर क्वालिटी के थे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल शीट्स। दूसरा सर, ये हेल्दी थे और सरप्लस क्रॉप भी बनता था इससे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था। और सर तीसरी बात, ये इंसेक्ट से फाइट कर सकते थे और दूसरे डिसीजेस से भी। अरे किसके डिसीजेस की बात कर रहा है? अरे प्लांट में लगने वाले डिसीजेस की। डन, चलो सर ये भी हो गया सर। अच्छा लेकिन इन सब के अलावा आपको पता था कि टेक्नोलॉजी महंगी है। अरे टेक्नोलॉजी महंगी है और HYV शीट्स भी महंगी है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए किसानों को क्या देना चालू किया बेटा? अरे बोलो ना, सब्सिडीज देने की। लेकिन बेटा दो लोग आ गए, उंगली करने वाले लोग हर जगह होते हैं बेटा, जिनका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या करना है? उंगली। कौन सी? दिखा मैं कुछ रहा हूँ, समझ आप कुछ और रहे हो। ठीक, चलो सर, एक वो जो इसके फेवर में थे, एक वो जो इसके अगेंस्ट में थे बेटा। ठीक है, जो कंटिन्यू करना चाहते थे बेटा। ठीक, ये कौन थे? जो चाहते थे फेवर ऑफ डिसकंटिन्यू, कहते बंद कर दो सर सब्सिडी। और ये क्या कहते थे सर? चलने दो सब्सिडी।
जो अगेंस्ट में थे बेटा, जो अगेंस्ट में थे उन्होंने क्या बोला, और जो सपोर्ट में थे उन्होंने क्या बोला बेटा। सबसे पहले ये देख लो, क्या सब्सिडी जरूरी है? सर जरूरी है सर, ये इनकरेज करती है फार्मर्स को, इसीलिए ये जरूरी है सर। सर अगली बात, ये क्यों चाहते थे कि सब्सिडी बंद हो जाए? सर इसके लिए आपको एग्जाम में दो बातें लिखनी है बेटा। बात नंबर वन, इनका ये कहना था सर सब्सिडीज आप किसानों को थोड़ी दे रहे हो, सब्सिडीज आप किसको देते हो? वो फैक्ट्रीज को जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, वो फैक्ट्रीज को जो ये HYV सीड्स प्रोड्यूस कर रही है सर। और सर आप उनको बोलते हो कि इनको सस्ता बेचो सर, लेकिन बेनिफिट तो वो ले गए ना। देखो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सर, बढ़े तो वो है। अगला, बेनिफिट टू द पर्टिकुलर रीजन, लेकिन सर ये ना पर्टिकुलर रीजन में ही हो रहा है सर। लार्जली बेनिफिट द फार्मर इज द मोर प्रॉस्पेरस रीजन। सर अभी तो आपने बोला कि आपने फर्स्ट फेज में कहाँ लगाया था इसको, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु लगाया था। सर ये तो अच्छे स्टेट हैं, ऑलरेडी बहुत सा अच्छा कर रहे हैं, और आप इन्हीं के स्टेट्स के लोगों को दे रहे हो तो ये तो सर और बढ़ेंगे। बात तो उनकी भी सही थी, बात उनकी भी सही थी, लेकिन बेटा जो फेवर में थे उन्होंने क्या बोला, सर देखो चाहे कुछ भी हो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट किसको मिलता है? फार्मर्स को मिलता है अल्टीमेटली। सर फार्मर्स हमारे यहाँ का एक पूरा सेक्शन है, और सर फार्मर्स को अगर उनके उनको देने की वजह से अगर कोई और इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो होने दो ना सर, उनको तो फायदा मिल रहा है ना, इन्होंने बोला इसलिए कंटिन्यू करो। चलो सर ये समझ में आया। अब बेटा हम अगले में जाते हैं बेटा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बेटा इंडस्ट्री एंड ट्रेड बेटा, अच्छा अभी आप एक चीज याद रखना, अगर आपके यहाँ पे गरीब लोग हैं ना बेटा, अगर आपकी कंट्री में गरीब लोग हैं तो बहुत इसका रीजन होगा कि आपके यहाँ पे गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। अच्छा अभी बात समझ में आ गई सर। सर इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग अमीर हो जाए तो हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा? इंडस्ट्री। और 1950 से लेके 1990 तक पता नहीं हमने कितनी इंडस्ट्री लगाई या नहीं लगाई, हमें जल्दी से बेटा यहाँ पे रिविजन करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए, इंडिया के पास ना तो कैपिटल था, ना तो इंडिया के लोगों के पास इतना करेज था कि वो कैपिटल लगाएं, और तीसरा ना तो इंडियन इकोनॉमी जो थी ना हमारी, वो किस लाइन पे चल रही थी बेटा? सोशलिस्ट लाइन पे। तो तुम तो वैसे भी कैपिटल नहीं लगाना चाहते थे, मेरी बात समझे? तीन बातें निकल के आ गई सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडिया के पास कैपिटल नहीं था, लोग इनकरेज नहीं थे, और गवर्नमेंट खुद सोशलिस्ट की तरफ जा रही थी। अब आगे देखें सर, लेकिन सर आपको पता है पहला मैंने आपको बोला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, अभी सर इसको ना बोला जाता है सर सेकंड, इसको बोला जाता है सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सर सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई बेटा? 1956 को बेटा। फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान, ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। लेकिन ये सोशलिस्ट के पैटर्न पे ही चल रही थी अभी भी, इसीलिए इसने क्या किया, इसने इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में बांट दी, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री। इन्होंने कैटेगरी वन में किसको पकड़ा? बोला ये सारे काम गवर्नमेंट करेगी, अगर ये गवर्नमेंट वाली इंडस्ट्री है तो ये होगी कैटेगरी वन, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगी। इन्होंने रखा कैटेगरी टू में वो जो बोला कि ये वाला काम तुम करना, ये वाला काम मैं करूंगा, तुम कौन? प्राइवेट, और मैं कौन? गवर्नमेंट, मिलजुल के काम करेंगे। और तीसरी वाली कैटेगरी में इन्होंने रखा कि ये वाला काम तुम करना, लेकिन आपको पता है ये तीसरा सेक्टर डेवलप ना हो ठीक से, इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कि तुम भले प्राइवेट हो खुद कर लेना, लेकिन हमसे लाइसेंस लेके जाना। यार तुम क्या कर रहे थे यार, समझ नहीं आ रहा चाह क्या रहे थे। ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल लेफ्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जबकि तुमने छोड़ा उसके बावजूद द सेक्टर वॉज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर ये लाइसेंस होता क्या है? सर लाइसेंस होता है झुकना, लाइसेंस होता है बेटा झुकना। अरे सर क्या बात करें, देखो ना सर, द पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। अब ये कहते हैं लाइसेंस हम किसको देंगे, जो कि इंडस्ट्री कहाँ लगाएगा? बैकवर्ड रीजन में। और उसके बाद किसको देंगे सर? इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया को देंगे। मैंने बोला इससे क्या अचीव हो जाएगा? कहते सर इससे ना हम रीजनल को इक्वली प्रमोट करेंगे। क्या मतलब है सर, क्या छोड़ो जो भी है बेटा। इसके अलावा ये लोग एक और चीज लेके आए बेटा, क्या बोला? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा इन्होंने बोला कि देखो इंडिया के पास कैपिटल नहीं है। मैंने बोला हाँ कैपिटल नहीं है। कहते सर आपने छोटा धंधा लगा लो, आप छोटा धंधा लगाओगे तो उसको हम एक अलग से रिकॉग्निशन दे देंगे, हो सकता है टैक्स में हॉलीडेज दें, टैक्स में छूट दें या सब्सिडीज दें। इन्होंने एक अलग आइडेंटिफाई किया बेटा। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, बेटा ये कमेटी का नाम है, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, उसका दूसरा नाम कार्व कमेटी भी है। उसने एक चीज नोट करी कि अगर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पे रूरल डेवलप हो तो आप वहां पे क्या लगा दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा दो। नहीं बेटा सोना नहीं है, सोना नहीं है,
अगला मैं सुला रहा हूँ आपको, इतना फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, सुला रहा हूँ आपको। गधा सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या? अरे सुनो ना बेटा, गवर्नमेंट ने बोला देखो हम ना क्या नाम है, रूरल एरिया जो है, रूरल एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोई आदमी वहाँ पे इंडस्ट्री लगाता नहीं है। कहते सर गाँव के लोग कहाँ ही खरीदेंगे, ये दाल रोटी खा के सो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो अगर तुम वहाँ पे लगाओगे ना, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका ये कहना था कि अगर आप चाहते हो गाँव का भला हो तो आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करो। मैंने पूछा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, तो देखो बेटा बता रहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। कहते हैं सर एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना था, एसेट में कितना करना था बेटा, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए, और आपको हम रिकॉग्निशन दे देंगे SSI की बेटा, डन। लेकिन आज की डेट में बेटा ये 1 करोड़ हो गया है बेटा। और आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मोटिव था कि वहां के लोगों को काम मिले, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बेटा बहुत ज्यादा मशीन्स कैपिटल या कैपिटलिज्म नहीं यूज होता, इसीलिए वहां पे ज्यादातर कौन काम करते थे, लोग काम करते थे, वो लेबर इंटेंसिव होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका ग्रोथ होगा, बोला कि सर वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट का मोटिव ये था सर, टू फोल्ड था। चलो सर, और आज की क्लास में मैंने आपको ट्रेड पॉलिसी करवाई दी, ट्रेड पॉलिसी में हमने ना पूरा कंक्लूड करके सर एक ही बात निकाली, क्या बात निकाली, गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हमारी कंट्री का डोमेस्टिक सेक्टर ग्रो करे, और ग्रो करे तो उससे क्या हो सर, बाहर के लोगों के साथ कंपटीशन कर पाए, और इसीलिए हमने ये लगाया था। तो गवर्नमेंट का कहना था कि सर इसका फायदा हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला हाँ फायदा हुआ है। 1950 से 51 में हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी आती थी वो कितनी आती थी, 13%, और वो अब कितनी आने लगी है, 24.6, आई मीन 1991 में बेटा, डन। चलो सर पूरा रिविजन हो गया, अभी इसको याद कर लोगे। चलो सर संडे के टेस्ट वाले दिन मिलते हैं, थैंक यू बच्चों।